हिंदी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत में ट्रेनें तो मौजूद थी, लेकिन एक फास्ट यानी तेज गति की ट्रेन की अभी भी दरकार थी। इस कमी को पूरा करने वाली ट्रेन आई, जिसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। इसी साल यह अपनी गोल्डन जुबली मना रही है। राजधानी ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसी ट्रेन है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्टेटस ऊंचा किया था। इस ट्रेन ने वीआईपी सफर और वो भी तेज रफ्तार में पूरा करने का सपना सच किया था। इसके कोच के गलियारों में सुंदर पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट के अलावा बेहतरीन डिजाइन के पर्दों से सजी होती थी। यह लोगों को हाई क्लास का एहसास देती थी, एक ऐसा एहसास जिसे लोग बार बार महसूस करना चाहें। खाने पीने से लेकर इसके स्टाफ की सर्विस सब टॉप क्लास है। ऐसे में इतिहास में कुछ दशक पीछे जाकर इसकी शुरुआत को देखना दिलचस्प रहेगा। साल 1960 में भारतीय रेलवे बोर्ड ने यह फैसला किया कि अपनी रेलगाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक अध्ययन किया जाए। चूंकि उस समय के पिछले 100 वर्षों में ट्रेन की स्पीड क्षमता 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित रही थी, इसी के मद्देनजर यात्रियों वाली ट्रेन की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा और माल गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया। वहीं इसकी माध्यम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई। इस पर साल 1962 से काम होना शुरू हुआ, जिस दौरान कई इंजनों और रेल डिब्बों का परीक्षण किया गया। भारत में ट्रेनें तो मौजूद थी, लेकिन एक फास्ट यानी तेज गति की ट्रेन की अभी भी दरकार थी। इस कमी को पूरा करने वाली ट्रेन आई, जिसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। इसी साल यह अपनी गोल्डन जुबली मना रही है। राजधानी ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसी ट्रेन है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्टेटस ऊंचा किया था। इस ट्रेन ने वीआईपी सफर और वो भी तेज रफ्तार में पूरा करने का सपना सच किया था। इन्हें खराब मौसम जैसे भारी बारिश में भी आजमाया गया। अपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिर वो दिन आ ही गया, देश को उसकी पहली सबसे तेज गति से भागने वाली ट्रेन मिल गई। 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार थी। तत्कालीन रेल मंत्री राम सुभाग सिंह ने राजधानी पर फूलों की माला चढ़ाकर इसे चलने के लिए हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नई दिल्ली से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर पहुंची। इसने पहले 24 घंटे में तय किए जाने वाले सफर को 17 घंटे में